अंजलि पापा के आंख में देख रही है, शीशा है ना, मेरे भी आंख में देखती है तो कहती है मम्मी तुम्हारे आंख में शीशा लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। सभी दीदी भैया को राम राम। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज। और पापा हम लोग का कपड़ा धो रहे हैं, तो हमारा कुछ शर्ट है और कुछ चांदनी और गुंजन का कपड़ा है और मम्मी का कुछ ओढ़नी है। तो यहाँ पर अभी बर्तन भी मांजने को पड़ा है और यहाँ पर हमारे पापा कपड़ा धो रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे पापा कपड़ा धो रहे थे, यहाँ पर हमारी मम्मी नहा रही हैं। तो हम नहा रहे हैं और सुबह नहीं नहाए थे यहाँ 11 बजे, तो 11 बज रहा होगा तो इतना टाइम नहा रहे हैं। तो चंदन दिखा दिए और आज चंदन के पापा ढेर सारा कपड़ा फैलाए हुए हैं धोकर। उधर से दिखा दो चंदन सारा। तो यहाँ पर हम लोग कपड़ा पापा धोकर फैला दिए थे और अभी कुछ और कपड़ा है उसको भी धोकर फैला रहे हैं। यहाँ पर हमारे पापा कपड़ा को फैलाए हुए हैं और अभी धुल रहे हैं कुछ कपड़ा को हम सबका है। और तो यहाँ पर हमारी मम्मी नहा रही हैं। तो चंदन कैमरा के पीछे बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बोल भी रहे हैं। और दोस्तों जो वीडियो आप सब आज देख रहे हैं तो एक दिन पहले बनाते हैं, तो घर पे रहेंगे नहीं, आज दवा लेने हम सबको जाना है। तो दोस्तों कल सुबह दवा लेने जाना है, तो चंदन आज सोचे इसी टाइम में वीडियो बना दूं, तो आज ये एक दिन पहले बन रहा है, नहीं तो बीच में हर दिन सुबह ही बनता था। तो हम नहा रहे हैं यहाँ पर और कपड़ा सब फैला दिए हैं। मेरे पापा कपड़ा उतार दे। यहाँ कपड़े को उतार लेते हैं, आज बहुत सारा कपड़ा धुलना पड़ा, बच्चों का, हमारा, चंदन की मम्मी का। तो यहाँ पर हमारे पापा सुबह कपड़ा धुले थे और यहाँ पर शाम हो चुका है और कपड़ा को उतार रहे हैं, कपड़ा बिल्कुल सूख चुका है। यहाँ साथ में अंजलि भी उतार रही है कपड़ा। तो यहाँ पर हमारे पापा अंजलि का कपड़ा उतार रहे हैं और यहाँ पर हमारा कपड़ा भी है इसमें। तो आज पापा हमारे सबका कपड़ा धो दिए थे सुबह और यहाँ पर सूख चुका है। चलते हैं, बच्चों का कपड़ा घर में रख देते हैं। यहाँ चंदन की मम्मी का कपड़ा उतार लेते हैं और यहाँ पर हम लोग का स्कूल का ड्रेस है, तो पापा हमारे अभी यहाँ रख देते हैं चंदन की मम्मी का कपड़ा इधर। तो यहाँ पर हम लोगों का ड्रेस है, पापा हमारे अभी ड्रेस धुल दिए थे हम लोगों का, तभी हम लोगों का पढ़ाई है। तो बीस तो यहाँ पर मम्मी नहा के आ गई है और कंघी कर रही है बाल में, और यहाँ पर अंजलि घुमरी खेल रही है, घुमरी खेल रही है। नहाई है अंजलि? हमारे साथ नहीं नहाई है, पहले पापा के साथ नहाई है। ड्रेस उतार लेते हैं, सूख गया है। तो यहाँ पर हमारे पापा हम लोगों का ड्रेस उतार रहे हैं। हम सारा काम निपटा लिया हूँ, बच्चे का कपड़ा रख दिया हूँ घर में और थोड़ा बहुत अभी कपड़ा सुखाने जो इस टाइम हुए हैं वो भी इधर फैलाया हुआ है। अंजलि के सिर में जुए हो गए हैं, वही मैं देख रही हूँ, तीनों लोग के हो गए हैं और ज्यादा नहीं हुए हैं कहीं कहीं पर। तो अब निकालना, इन सबका जुए निकालना जरूरी है। बीच बीच में मैं देखभाल करती थी, बीच में नहीं कंघी कर पाई, देखी भी नहीं, तो जुए हो गए है ना अंजलि। कितना जुआ पड़ा है? इतना सारा जुआ पड़ा है, उतना नहीं है, ऐसे बहुत होंगे तो दो चार, मैं कल निकाली थी चार जुए, तो बहुत खोजने पर फिर मिलते हैं। और चांदनी के भी जुए हो गए हैं, गुंजन के भी हो गए हैं, तो सबका जुए अब निकाल देंगे हम। तो अंजलि नहा के तैयार भी हो गई, कंघी भी बाल में कर ली, तो खुद से आज कंघी की है ना अंजलि। ऊपर मत बैठो, और यहाँ पर बैठे हैं चंदन के पापा भी, आ गए, बैठ गए हैं, थोड़ा यहाँ हवा लग रहा है,
और दोस्तों आप सब कहते हैं कि आपके वहाँ गर्मी बहुत होती है, हमारी दीदी पूछ रही थी। तो संगीता जी पंखे ले लीजिए। तो एक पंखा है और बराबर लाइट नहीं रहता है गांव में, कभी एक घंटे के लिए लाइट आती है, कभी दो घंटे के लिए आती है, रात में थोड़ा टाइम रहता है। जो भाई बहन गांव में होंगे उनको पता होगा लाइट बराबर गांव में नहीं देती है, तो पता नहीं क्यों थोड़ा लाइट का दिक्कत होता है। पंखा रहेगा लाइट नहीं रहेगा क्या फ़ायदा, तो एक ही पंखे से सब लोग काम चला लेते हैं। और हम सब आंगन में सोते हैं, रात के टाइम वैसे ठंडा लगने लगता है। तो ये चंदन के पापा जो धुआं करा के लाए थे ये थोड़ा ढीला हो गया है, और अभी इस समय लगभग सब ढीला होता जा रहा है, कपड़े भी इसी तरह ढीला हो जा रहा है। तो मैं कई ब्लाउज को कम करवाई हूँ सिलाकर, बीच में थोड़ा दुबले हो रहे हैं। आप सब भी कहते थे संगीता जी आप मोटे हो गए हो, अब मैं दुबली हो गई हूँ, हो रही हूँ पहले जैसा। ये खोल दो। तो ये बांध रहे हैं हाथ में, तो यहाँ सही से बंधवा ली हूँ। ये गिर जा रहा था। अंजलि पापा के आंख में देख रही है शीशा, है ना, मेरे भी आंख में देखती है तो कहती है मम्मी तुम्हारे आंख में शीशा लगा है। तो आप सब भी देखे होंगे किसी के सामने तो वो चेहरा दिखता है, तो वही कह रही है आंख में शीशा लगा है। अंजलि तुम्हारे आंख में शीशा नहीं लगा है, नहीं लगा है पापा के आंख में? पापा के आंख में शीशा लगा है, क्योंकि अपना खुद का अंजलि नहीं देख पाती है और हम सबको देख लेती है, इसीलिए लगता है हम सबके आंख में शीशा लगा है और इनके आंख में शीशा नहीं लगा है। तो किस चीज़ का आंख बना है अंजलि तुम्हारा? काला का आंख है इनका, है ना। यहाँ पौधे का सिंचाई कर देते हैं, धूप हमारे यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पापा फूल में पानी डाल रहे हैं, तो हमारे पापा फूल का क्यारी बना दिए थे। इधर भी सिंचाई कर देते हैं पौधे में, इधर भी सिंचाई कर देते हैं पौधे में, ज्वार भी पानी डाल रहे हैं कि ताकि ठंडा रहे थोड़ा बहुत। लौकी की सिंचाई कर देते हैं, फूल बहुत लगा हुआ है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दीदी भैया को नमस्ते, सभी दीदी भैया को राम राम।